सर हाँ बुकलेट का सर क्वेश्चन नंबर 9 में देख करके बताइए ना, उसमें पता कैसे चल रहा है कि पी हायर पोटेंशियल होगा कि क्यू हायर पोटेंशियल होगा। कौन सा चैप्टर का? सर ईएमआई का। 1 मिनट, एक्सरसाइज टू जिसमें ये एमसीक्यू रहता है। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 9। सर एमसीक्यू है ना एक्सरसाइज टू। हाँ हाँ वही सेमी सर्कुलर लूप पीक्यू जो है। सर वही वाला सर। तो उसमें सर पी और क्यू से दोनों सेम पोटेंशियल होना चाहिए ना। हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है? सर तो उसमें सर ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ शायद आंसर। तो उसमें सर ये राइट साइड वाला जो भी पॉइंट है उसको हायर पोटेंशियल बोल रहा है। तो सर दोनों सेम होना चाहिए ना। अगर दोनों सेम रहेगा तो बी और सी दोनों ना आंसर होगा। दोनों पोटेंशियल सेम क्यों रहेगा? जो पी क्यू जो लूप रखा है वो नीचे तरफ जा रहा है। यस सर। हाँ तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला पोटेंशियल का? सर उसका था BBL वेक्टर फॉर्म में वेक्टर बीवीएल फॉर्म में। था। चलो ठीक है, चलो वेक्टर फॉर्म अभी रहने दो, तीर पर डॉट प्रोडक्ट आ रहा था। अगर हम लोग यहाँ पे बीवीएल देख रहे हैं तो हम लोग हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या यूज करते थे? राइट हैंड रूल, ठीक है। भी यस सर। क्रॉस बी देखते थे तो भी नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है। सी वाला दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे नहीं रहेगा, चेक कर लेंगे आप लोग। तो पी पोटेंशियल सर आवाज कट रहा है। आ रहा है अब। हाँ सर अब आया। क्वेश्चन नंबर 9 है तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, ठीक है। और यहाँ पे जो लूप है ऐसा रखा हुआ है, ये पी है, ये क्यू है, और ये इधर की तरफ से भी से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जो हमारा इफेक्टिव लेंथ होगा यही होगा पी क्यू लेंथ। तो पी क्यू लेंथ 2 आ रहा है, तो ईएमएफ जो आएगा क्या आएगा? बी इंटू 2R इंटू वी। अब डायरेक्शन कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा? तो वी क्रॉस बी चेक करेंगे तो क्यू जो है इधर की तरफ आ रहा है, तो क्यू जो होगा हायर पोटेंशियल भी होगा, तो सी वाला आंसर होगा, समझ ठीक है। और कोई दिक्कत? सर 8 में देखिए ना एक बार। हाँ 8 में क्या दिक्कत है? तो जो ईएमएफ होगा ये उसका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? रीजन तो ऑफ डिक्रीज एनी कर रहा है तो पॉजिटिव होना चाहिए ना। कॉन्स्टेंट अल्फा, हमसे ई डॉट डी आर पूछा है, ठीक। तो वो तो ईएमएफ ही देगा। हाँ तो ऊपर वाले को अगर हम देख रहे हैं तो 2 क्रॉस है और 1 डॉट है, यस सर। तो क्रॉस वाला इनटू द प्लेन, डॉट वाला ऊपर, दोनों घट रहा है। तो 1 जो क्रॉस है और 1 डॉट है, दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, एरिया सेम है, ठीक है। यस तो सर। सिर्फ 1 रहेगा तो उसके लिए क्या आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव? सर इनटू द डिक्रीज करे तो प्लेन घट पॉजिटिव। रहा है, इनटू द प्लेन घट रहा है तो पॉजिटिव आना चाहिए, नहीं कि जो डायरेक्शन दे रखा है फिगर में उसका अपोजिट। तो वो डायरेक्शन के हिसाब से करना। इसमें तो वही लग रहा है,
उसे ऑप्शन बी दिया होगा, कौन सा बी, बी हाँ नेगेटिव दिया। जो डी आर अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो इधर अंदर की तरफ घट रहा है, घट रहा है तो सेम आना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहेगा ना। यस सर, तो जो ठीक है डायरेक्शन दिया उसके अपोजिट, हाँ, जो डायरेक्शन दिया है उसके अपोजिट ही वही माना होगा। तो किस हिसाब से नेगेटिव किया हुआ। और कोई दिक्कत? सब्ट्रैक्ट एक्सरसाइज का 22 प्रैक्टिस एक्सरसाइज 22। यस सर, कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रेन। द इंजन इज गिवन बाय द फोर्स ड्यू टू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सर आपका आवाज कट रहा ठीक है। तो ऐसा चीज कह रहा है, ऐसा सिचुएशन हो गया जो हम लोग करते थे ना प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं। तो यह रेल हो गया, ठीक है, जिसपे ट्रेन चलता है। मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट बोल रहे हैं कि सरफेस पे ऐसा इनटू द प्लेन होगा, ठीक है। यस सर, अब बोल रहा है कि जो पहिया है तो एक पहिया यहाँ पे है, ये एक्सल से ऐसा कनेक्टेड है। तो बोल रहा है कि अगर जो करंट जा रहा है, मतलब जो भी सोर्स है हमारा, इससे ऐसा कुछ जा रहा है सोर्स, यानी कि इधर से गया एक रेल से एक्सल से होते हुए फिर सोर्स के पास ऐसा घूम के आ गया, ठीक है। बाकी सब डेटा दे रखा है। यस बैक टू द सर, सन, व्हाट करंट इज नीडेड टू प्रोवाइड द मोडेस्ट 10 किलो न्यूटन फोर्स। वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा है अर्थ मैग्नेटिज्म का, लेंथ दिया है, पूछ रहा है 10 किलो न्यूटन फोर्स चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए इसमें करंट क्या बहेगा, तो फोर्स क्या होता है, ILV। तो यस सर, यहाँ से आई आ जाएगा, हो जाएगा अब सब। यस सर, सही। एक्सेल क्या है? ये जो चक्का होता है इसमें से जो वायर लोहा कनेक्टेड नहीं होता है यस सर, उसी को एक्सल बोलते हैं। ओके सर। और कोई दिक्कत? नहीं है। एक्सीवी में एक्सीवी में कौन सा? सही सर, 24 EMI कहीं? यस सर, 24 सब बीसी।
पेज 308 A circular coil of 1 ton radius is rotated about a diameter. Spirited revolution per minute. Maximum EMF आ गया होगा. EMF क्या आएगा इसमें? Yes, take. NBA cos of omega t a आएगा. Yes. ठीक है, ए आएगा ना, ए डॉट बी कॉस डी बाई डी टी साइन आएगा. ठीक है, साइन आएगा, क्योंकि अगर हम फ्लक्स लिखेंगे तो बी डॉट ए लिखेंगे, तो बी डॉट ए यानी कि ए भी कॉस ऑफ थीटा, एन नंबर है तो एन से मल्टीपल कर सकते हैं, तो डी फाइव बाई डी टी जो होगा यही ईएमएफ होता है, तो ईएमएफ इतना आ जाएगा. क्लियर है? पूछ रहा मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए साइन ओमेगा टी को वन रख देंगे, तो एन बी ए जो होगा वही क्या आएगा, मैक्सिमम इंडक्शन. बी वाला पूछ रहा है एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल ओवर लॉन्ग पीरियड, एवरेज पूछ रहा है, इसका एवरेज वैल्यू पूछ रहा है, कल जो पढ़े थे निकल जाएगा एवरेज. सो लॉन्ग पीरियड और एक दोनों का आंसर अलग क्यों है? सेकेंड पूछ रहा है एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ ईएमएफ, यानी कि वो आरएमएस वाला वैल्यू का स्क्वायर है, भी आरएमएस का स्क्वायर है, दिख रहा है? यस सर. ठीक है, सेकेंड क्या बोल रहा है? टाइम पीरियड लेते थे उसमें जीरो आता था, उसमें क्या लॉन्ग पीरियड सर, टाइम लॉन्ग पीरियड में अगर आएगा तो कितने टाइम पीरियड हो रहा है ना भाई, लॉन्ग करने का मतलब क्या है, कि टाइम पीरियड तो कंप्लीट है, एक एक टाइम पीरियड लेंगे लंबे समय तक तो जीरो ही आएगा. ठीक है, तो पहला वाला सवाल में वही है कि हमें भी एवरेज पूछ रहा है, सेकेंड में भी आरएमएस का स्क्वायर पूछ रहा है. क्लियर है? यस सर, हो जाएगा. और कोई दिक्कत? अभी नहीं है. ठीक है फिर. ठीक है, तो आज के लेक्चर के बाद एचसी वर्मा से एसी पूरा कर लेना है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है उसमें. तो हम लोग देख रहे थे अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग देख रहे थे कि अगर हमारे पास अल्टरनेटिंग सोर्स है, यानी कि कोई भी एसी सोर्स है, तो हम लोग उससे किसी भी कंपोनेंट को जोड़ते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा. तो हम लोगों ने कल देखा था कि अगर रेजिस्टेंस रो जोड़े, यानी कि सिर्फ रेजिस्टेंस यानी प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि जो करंट है और जो पोटेंशियल है आर के क्रॉस, दोनों सेम फेज में होंगे. सेकेंड हम लोग पढ़े थे कैपेसिटर, कैपेसिटर में देखे थे कि जो पोटेंशियल था कैपेसिटर का वो करंट से पाई बाई टू पीछे चल रहा था, और इंडक्टर वाले केस में देखे थे कि पोटेंशियल जो था पाई बाई टू से आगे चल रहा आगे. फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर कैपेसिटर को हम लोग यूज करते हैं लो फ्रीक्वेंसी पे, तो लो फ्रीक्वेंसी पे वो ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा. ठीक है, ओपन सर्किट कहने का मतलब ये है कि वो जो भी सिग्नल होगा करंट होगा उसे पास नहीं होने देगा. ठीक है, तो उसे हम लोग हाई पास फिल्टर बोलते हैं. और इसी का जस्ट अपोजिट था इंडक्टर के केस में, कि अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी भेजते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सोर्स अगर लगा दे, हाई फ्रीक्वेंसी करंट उससे पास करें, तो वो जो है ओपन सर्किट जैसा बिहेव करने लगेगा, यानी कि वो करंट को पास नहीं होने देगा, सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी को पास करने देगा, इसलिए हम लोग उसे बोलते हैं लो पास फिल्टर. ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं आरसी सर्किट across AC source. ठीक है, RC across यानी कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है किसी भी AC सोर्स के across. जोड़ेंगे तो क्या होगा?
सीरीज की ही बात कर रहे हैं, सॉरी, ये हमारा एसी सोर्स हो गया, इससे हम कनेक्ट कर दिए। ईएमएफ हम ये ले रहे हैं ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आर है, ये कैपेसिटेंस सी है। किसी टाइम टी पे अगर हम देखेंगे तो इसमें से करंट कुछ आई बह रहा होगा और इस पे कुछ चार्ज हो सकता है, हमें प्लस क्यू और माइनस क्यू दिख रहा होगा। तो एट एनी टाइम अगर हम केवीएल लगाए तो क्या मिलेगा? E माइनस आई आर प्लस क्यू बाई माइनस क्यू बाई सी, क्या लिखेंगे? E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस आई आर माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू जीरो, यस लिखेंगे। अब I को हम क्या लिख सकते हैं? डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी आर प्लस क्यू बाई सी इजकल टू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बोल रहा हूँ, ए नॉट साइन ओमेगा टी, लिख सकते हैं ऐसा। माइनस वाले को दूसरे साइड लेते गए, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी प्लस वन बाई आर सी क्यू इजकल टू ए नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है क्या? ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे सॉल्व करेंगे तो उधर ई नॉट बाई आर आएगा ना? हाँ ई नॉट बाई आर, हाँ ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ऐसा है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम यहाँ पे इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। मैथ्स में तुम लोग को सिखाया जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, हमें क्या मिलेगा बोलो, कोई आइडिया? ई के टर्म्स में कुछ आएगा? ई के टर्म में नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, प्लस माइनस फाइव कुछ भी रहेगा, ठीक है। यानी कि इस फॉर्मेट में कुछ आएगा, q का इक्वेशन है तो q आएगा, ठीक है। e के फॉर्मेट में हम लोग लिख के इंटीग्रेट करते हैं, तो हम वहां पे इंटीग्रेशन नहीं करने जा रहे, लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कि जो सॉल्यूशन आएगा इस फॉर्मेट में आएगा। तो अगर क्यू जो है ऐसा आ रहा है तो हम लोग करंट क्या लिख सकते हैं? क्यू नॉट ओमेगा करंट अगर, ठीक है, इसी फॉर्मेट में रहेगा, इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ आई फॉर करेंट जो होगा इस फॉर्मेट में होगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, जो भी हो, ये फेज डिफरेंस है। अभी हमने इसका सॉल्व करके नहीं बताया कि आई नॉट क्या होगा और फाइव क्या होगा, ठीक है। इसमें भी हमने नहीं बताया कि क्यू नॉट क्या है, फाइव क्या है, ठीक है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो सॉल्यूशन होगा इस फॉर्मेट होगा, ये हम फॉर्मेट लिख रहे हैं, ऐसा फॉर्मेट में हमारा आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम उसको डिफरेंशिएट नहीं, इंटीग्रेट करने नहीं जा रहे हैं, इस वाले को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, मैथ में बकायदा पढ़ाया जाएगा, पढ़ लोगे तो भले से बाद में यूज कर लेना, हम यहाँ पे नहीं करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग करंट को हम लोग ये चीज इक्वेशन लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब ये आई नॉट और फाइव फाइंड कैसे करेंगे? तो I नॉट और फाइव हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की बात हो रही है, तो हम लोग वही फेजर वाला जो वेक्टर था वो हम ड्रॉ करेंगे। तो ऐसा हॉरिजेंटल है, तो हम बोले थे कि इस केस में हम इधर की तरफ I रखेंगे, करंट इसलिए हम लोग इधर रख रहे हैं क्योंकि दोनों में करंट सेम है, तो जो भी रेफरेंस ले रहे हैं हम इसी से लेंगे। अब अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर, रेजिस्टर में सेम फेज में रहेगा और कैपेसिटर में क्या होगा?
पाई बाई टू से लैग करेगा, करंट से हमें क्या दिखेगा, पाई बाई टू से ये लैग करेगा। तो अगर ऐसा है तो इस दोनों का कुछ रिजल्टेंट आएगा वी आर का, दोनों को हम वेक्टर, वेक्टर है नहीं लेकिन वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं फेजर में, ये वेक्टर है वी नेट, ठीक है। वी नेट क्या निकाल सकते हैं हम लोग, अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर अगर, ठीक है। और ये एंगल थीटा ये हमें देगा फाइव, ठीक है। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो वी आर जो है इसे हम आई इन टू आर लिखते हैं, एंड वी सी जो लिखते हैं वो लिखते हैं आई इन टू एक्स। तो यहां से हम ये चीज कंपेयर कर सकते हैं कि जिधर वी आर होगा उधर ही आर होगा, आई को तो हमने फिक्स रखा है, इसमें भी वी सी जिधर होगा उधर ही एक्स सी होगा। तो हम इस वी आर और वी सी के कंपेरिजन में ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं फाइंड करने के लिए कि इधर करंट है तो करंट के अलोंग जो होगा रेजिस्टेंस होगा कि वीआर के सेम फेज में रहेगा, एक्ससी जो होगा वो वीसी के अलोंग होगा तो इधर हम एक्ससी लिखेंगे। यहां से जो है हमें एक रिजल्टेंट मिलेगा, इन दोनों को अगर हम वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट हमें जेड मिलेगा। इस जेड को हम लोग देख रहे हैं तो यहां से हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्ससी का स्क्वायर, और ये जो एंगल हमें मिल रहा है ये फाई एंगल मिल रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर हम वी नॉट की बात करें तो वी नॉट जो होगा ई नॉट के बराबर ही आएगा, वी नेट अगर हम वी नेट फाइंड करेंगे तो जो भी हम यहाँ पे मैक्सिमम लगाए थे उसी के बराबर आएगा, ठीक है। तो हम उसे ई नॉट लिख ले रहे हैं। यहाँ पे ये फाई की बात करें तो टेन ऑफ फाई हमें दिख रहा है एक्ससी बाई आर, ध्यान से देखे तो हम यहाँ से फाई लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्ससी बाई आर, ठीक है। तो भी नेट ये है, करंट जो है इससे फाई लीड कर रहा है, तो यहां से हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज डेट जो हमारा करंट का इक्वेशन है वो आई नॉट, आई नॉट क्या देंगे तो ई नॉट बाई आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट क्या आ रहा है तो जेड, ठीक है। यहाँ पे साइन था तो साइन, ओमेगा टी था ओमेगा टी, करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, इस केस में लीड कर रहा है तो क्या करेंगे प्लस, फाई की जगह टेन इनवर्स, पोटेंशियल से, नेट पोटेंशियल से हम लोग तो इनिशियल फेज जीरो माने आ रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग रखे हैं हम लोग, करंट को हॉरिजॉन्टल लाइन पे माने ना, भी को थोड़े माने हैं करंट इनिशियल फेज से जीरो होती है। अच्छा करंट जो है हॉरिजॉन्टल है, भी नेट इधर है तो आगे कौन है, करंट आगे, तो करंट लीड कर रहा है इससे, यस सर, ठीक है। इसमें सिर्फ साइन ओमेगा टी था तो इसमें क्या आएगा प्लस फाइव आएगा, यस सर, तो वही चीज लिखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर कीजिए ना, और नो सर वो आरसी, सर यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर दीजिए कौन सा, इस जेड को हम लोग बोलते हैं एम्पिडेंस, कौन सा जेड के ऊपर वाला पार्ट, जैसे कि हम लोग करंट को तो हॉरिजॉन्टल मान लिए, अब हम क्या देखे थे लास्ट क्लास की जो अगर सिर्फ रेजिस्टर रहेगा तो रेजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो करंट के सेम फेज में होता है, यस, कैपेसिटर में करंट से पाई बाई टू पीछे होता है,
तो यहाँ कैपेसिटर है और रेजिस्टर है, तो रेजिस्टर के क्रॉस का पोटेंशियल सेम की तरफ ले लिए और कैपेसिटर का करंट से पाई बाई टू पीछे ले लिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि वी जो होता है वो आई आर होता है, तो हम जानते हैं ना। तो करंट तो दोनों में हम सेम ले रहे हैं, तो वी जो है आर के प्रोपोर्शनल, यानी कि वी जैसे चेंज हो रहा है वैसे ही आर होगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग उसी फेज में हम लोग रेजिस्टेंस को रख के ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जो एक्चुअल मेथड है वो ऊपर वाला मेथड है कि मैथ से सॉल्व करें, दूसरा है कि फेजर को वेक्टर में चेंज करने। तो फेजर को वेक्टर में चेंज करने के लिए हम लोग पूरा चीज तो पढ़े नहीं है, तो जो जो फॉर्मेट हमें पता है उसी फॉर्मेट में हम लोग चेंज कर करके रिलीज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे ये जेड जेड को हम लोग बोलते हैं एम्पिडेंस, ठीक है, यानी कि आर और ये एक्सी है, तो एक्सी दोनों का बीच का ये नेट रिजल्टेंट ये रेजिस्टेंस दे रहा है। तो टोटल ईएमएफ ई नॉट है, जेड इसका नेट रेजिस्टेंस मिला, तो ये वाला वैल्यू जो है हमें आई नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि आई नॉट हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टोटल जो भी ईएमएफ होगा डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। एक्सी तो सबको पता है कि क्या होता है, एक्सी का वैल्यू क्या था, कैपेसिटिव की रिएक्टेंस 1/ωc। तो वी नेट ई नॉट कैसे हुआ था, ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा ना, हाँ ये जिस सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे तो यही ना आएगा, मैग्नीट्यूड है तो मैक्सिमम वी नेट ई नॉट है ना, हाँ मैक्सिमम जो आएगा ई नॉट आएगा, तो वी नेट तो सर नॉट साइन ओमेगा टी है ना, हाँ वी नॉट साइन ओमेगा टी आएगा, ठीक है उसको सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम जो आता वो ई नॉट आता, ठीक है, इतना बात क्लियर है। तो कभी भी हम उस इक्वेशन को सॉल्व करने नहीं जाते हैं, बहुत सारे बुक्स में सॉल्व करके दे रखा है, तुम लोग भी अगर डिफरेंशियल पढ़ लोगे तो उसके बाद सॉल्व कर सकते हो। अभी सर नहीं हुआ होगा, अक्रॉस एसी सोर्स, ठीक है। अब रेजिस्टेंस और इंडक्टर हम जोड़ रहे हैं, ये एल है। इस केस में अगर हम किसी टाइम टी पे अगर हम लिखना चाहें केबीएल तो क्या लिखेंगे, बोलो। मान लेते हैं तो ये प्लस माइनस आएगा, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इजकल टू प्लस ई नॉट साइन ओमेगा टी इजकल टू जीरो, ये होगा, ठीक है। इसे हम फिर से ऐसा लिख सकते हैं डी आई बाई डी टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आर बाई एल आई इजकल टू ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा, लिख सकते हैं क्या, ये फिर से हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, यस सर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का एक अलग ही तरीका होता है कि एक कौन सा फैक्टर बोलते थे, भूल गए हमने, इंटीग्रल फैक्टर कुछ ई रेज टू पावर समथिंग करके एक फॉर्मेट होता है, उसमें लिख के हम लोग इसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। खैर मैथ पढ़ोगे तो कर लेना, अभी क्लियर रहने दो। तो ये फर्स्ट ऑर्डर, इसका भी सॉल्यूशन हमारा कैसा मिलेगा, वैसा ही सॉल्यूशन जो आएगा वो ऐसा आएगा आई इजकल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव कुछ आएगा। अब यहाँ आई नॉट क्या होगा और फाइव हमें फाइंड करना रहता है, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं,
तो यहाँ पे आरएल सर्किट है, तो आरएल सर्किट में अगर करंट को हम इधर रखे हैं तो वीआर जो होगा इधर ही होगा, और वीएल क्या होता है 90 डिग्री लीड करता है, तो वीएल इधर की तरफ। ठीक है, तो इसी के बोल सकते हैं कि जो हमारा अगर करंट इधर है तो हम बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होगा वो इधर की तरफ होगा, यानी कि करंट के फेज में ही जिधर भी है, और XL जो है इधर की तरफ। अब इन दोनों के बीच में ये फाइंड करना चाहें, यानी कि जो हमारा नेट रेजिस्टेंस है उधर की तरफ ही नेट रेजिस्टेंस आएगा, ये Z, तो हमें दिख रहा है दोनों परपेंडिकुलर है, तो XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये एंगल फाई दिख रहा है। भी जो होगा भी नेट, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वी नेट जो होगा वो सेम डायरेक्शन में आता है, तो जेड है। तो यहाँ से हम लोग आई नॉट क्या लिख सकते हैं, ई नॉट बाई अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड फाई क्या लिख सकते हैं, टैन इनवर्स एक्सएल बाई आर, टैन इनवर्स एक्सएल बाई आर, और एक्सएल का वैल्यू क्या होता है अगर रखे तो माइनस आएगा, तो माइनस आएगा टेन इनवर्स एक्स एल बाई। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस केस में जो हम देख रहे हैं करंट जो है वो ईएमएफ से लैग करता है। ठीक है, ईएमएफ जो होता है इस केस में लीड करता है। क्लियर है? यस सर। अगर हम बोले कि एल और सी सर्किट रहे क्रॉस एसी सोर्स, ठीक है, एलसी ऑसिलेशन तो हम लोग देखे थे, लेकिन ये अलग चीज है, सोर्स के अक्रॉस अगर लगा हो तो एलसी अक्रॉस डीसी सोर्स हम नहीं देखे थे। हाँ, उसमें दोनों क्या कर रहा था, एनर्जी स्टोर कर रहा था। यहाँ पे ये भी जो हम लोग कर रहे हैं ये भी केस से क्वेश्चन बहुत कम आता है। E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये सी है ये एल है, इसमें क्या लिखेंगे तो और खतरनाक जाएगा। माइनस एल क्या सेकेंड ऑर्डर आ जाएगा, हाँ माइनस क्यू बाई सी इज प्लस, उसका तो हम लोग को पता है ना किसका सेकेंड ऑर्डर का। हाँ मतलब हम लोग तो अपने जो शॉर्टकट मेथड है उसे तो फाइंड करेंगे, जो भी आएगा इसे भी सॉल्व करेंगे, तो ऐसा ही कुछ हमारा आएगा। ठीक है, यहाँ से अगर करेंगे तो Q और I, तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा T प्लस फाई कुछ है, इसी फॉर्मेट में रहेगा कुछ। ठीक है, तो एक्चुअली में हमें ये चीज नहीं बताया जाता है, क्यों, क्योंकि एक तो सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है सेकेंड ऑर्डर है, और अगर यहाँ पे हम ले रहे हैं तो ये आई नॉट फाइंड करने में हम नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं अभी बता रहे हैं, या फिर कर सकते हैं लेकिन बहुत सिंपल सा हो जाता है, देख लो। इस केस में अगर हम करंट को लेंगे इधर, तो एक्सएल किधर होगा, इधर की तरफ, एक्ससी किधर होगा, नीचे नीचे, आर तो है नहीं, ठीक है, तो एक्सएल ऊपर एक्ससी नीचे। अब अगर मान लेते हैं एक्सएल जो है ग्रेटर देन एक्ससी होगा, तो इसमें जेड जो होगा वो क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्ससी ही मिलेगा। यस सर। ठीक है, फाई अगर हम फाइंड करना चाहें तो फाई हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री ही रहेगा। यस सर। ठीक है, अब एक्सएल अगर ग्रेटर है तो प्लस रहेगा, एक्सएल अगर लेस है तो माइनस रहेगा। क्लियर है, तो यहां से हम आई क्या लिख सकते हैं, ई नॉट बाई
एक्स एल माइनस एक्स सी हम मॉड लगा देते हैं क्योंकि कोई में भी बड़ा छोटा हो सकता है, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई बाई टू लिख रहे हैं। ठीक है, प्लस माइनस क्यों? क्योंकि अगर एक्सएल ज्यादा रहा तो प्लस, यानी कि जो मेजोरिटी होगा यानी कि हम बोलेंगे कि इंडक्टिव ज्यादा है तो सर्किट जो है इंडक्टिव जैसा बिहेव करेगा। अगर कैपेसिटेंस जो है उसका इफेक्ट ज्यादा रहा तो हम बोलेंगे कि कैपेसिटिव सर्किट जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये वाला जो केस है ये हमसे बहुत कम ही पूछा जाता है, फिर भी अगर आए तो हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो फाइव फिर से बताइए ना कैसा? ये फाइव, फाइव हाँ। क्या था यहाँ से, और जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका रिजल्टेंट इधर ही आएगा, यही चीज ना होगा एक्सएल माइनस एक्ससी। यस सो, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90। ठीक है, एक्सएल ज्यादा माने हैं तो इसलिए एक्सएल माइनस एक्ससी ऊपर है तो प्लस करंट उसमें माइनस ले लेंगे ना। ठीक है, माइनस रहेगा क्योंकि करंट इसमें लैग करेगा, और वही अगर हम एक्ससी को ज्यादा लिए रहते तो उस केस में क्या करते हैं कि करंट जो है इससे लीड करेगा पोटेंशियल से। क्लियर है? यस। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन करना है तो इस चीज को बना लेना है, फेजर, ये बोलते हैं कि फेजर रिप्रेजेंटेशन है, इसे बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे नोट पॉइंट बोलते हैं कि अगर जैसे कि हो सकता है कभी कभी हमें बोले कि करंट इधर की तरफ है, ठीक है, ये अगर करंट का देगा तो हमें इधर और इधर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि करंट का बोलेगा कि इनिशियली कुछ फेज है, लेट से ये फाई वन इनिशियल फेज है, ठीक है, तो इधर की तरफ करंट रहेगा, तो ये जो है इधर हम एक्सएल रिप्रेजेंट करेंगे और इधर एक्स, यानी कि इससे परपेंडिकुलर ही रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके हिसाब से फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? या फिर तुम हॉरिजेंटल लेते हो तो वहां पे जो साइन ओमेगा टी है अगर पहले से कुछ फाइन आउट हो तो उसमें प्लस माइनस जो भी आएगा फाई हम लिख रहे हैं तो करेंगे। क्लियर है? यहाँ जो भी एंगल रहेगा उसे पुट करने के बाद। यानी कि यहां से इनिशियल ई नॉट जो दिया होगा ई, वो दिया होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, यानी कि टी इक्वल टू जीरो पे वो इधर की तरफ रिप्रेजेंट करता है। कौन कौन सा हो गया? दो दो करके तीनों हो गया ना? यस सर। एलआर इसके बाद ऊपर से एक मिनट, बस 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 हो गया। यस सर, हो गया। इसके बाद हम तीनों को जोड़ देते हैं एलआरसी सर्किट। ठीक है, सीरीज देख रहे हैं, सीरीज में तीनों है। ये E is equal to E naught साइन ओमेगा टी ले रहे हैं, ये आर है, ये सी है और ये एल है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लोग सॉल्व करने जाएं तो हमें क्या मिलेगा बताओ? इक्वेशन किसी टाइम टी पे ई नॉट साइन ओमेगा टी एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर प्लस यू बाई सी। ठीक है, एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, फिर से ये डबल सेकेंड ऑर्डर का आ जाएगा, यहाँ डी टू आई बाई डी टी इस पर लिखना पड़ेगा क्यू के टर्म में, तो सेकेंड ऑर्डर का आ जाएगा। तो इसे भी हम मैथ छोड़ देते हैं यहाँ पे, इसे भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा हम ऊपर सॉल्व किए। यानी कि जो सॉल्यूशन होगा करंट के लिए, हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं कैसा है, आई इज इक्वल टू आई नॉट
साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव जो भी रहे। तो आई नॉट क्या होगा और फाइव क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, इतना चीज अगर हमें पता चल जाए तो हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं करेंट का। ठीक है, करेंट आ गया तो किसी भी टाइम पे हम सबके क्रॉस पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, जो भी चाहे पूछेगा हम निकाल सकते हैं। तो हम फिर से वही फेजर देखेंगे, यानी कि हम ऐसा लिए हैं, इनिशियली हम देख रहे हैं कि जो करंट है वो इधर की तरफ है, तो हम करंट को इधर की तरफ रिप्रेजेंट, तीनों में सेम तो है, सेम करंट सीरीज में है तो करंट सबसे सेम जा रहा होगा, तो हम आई ये लिख दिए। अब हम तीनों का पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में हम एक्सएल एक्सआर ये सब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इधर की तरफ हम क्या करेंगे आर बीआर, नीचे की तरफ एक्सी और ऊपर की तरफ एक्सएल। ठीक है, अब अगर यहाँ पे तीन वेक्टर्स दिख रहे हैं, इसे हम वेक्टर की तरह ही ट्रीट करते हैं, तो एक्सएल और एक्सी में मान सकते हैं कोई एक हो सकता है बड़ा हो एक छोटा हो। ठीक है, अगर एक्सएल बड़ा होगा तो एक्सएल माइनस एक्सी ऊपर जाएगा, एक्सी बड़ा होगा तो एक्सी माइनस एक्सएल नीचे लेंगे। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, तो उस केस में हम इसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हम ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं कि ये वेक्टर है एक्सएल माइनस एक्सी और इधर की तरफ हम बोल सकते हैं कि ये आर वेक्टर है, बोल सकते हैं। तो अगर हमें ऐसा दो वेक्टर दिख रहा है तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो ऐसा आएगा। ठीक है, ये जो रिजल्टेंट है इसे हम जेड बोलेंगे, इस जेड का वैल्यू दिख रहा है कितना होगा, अंडर रूट प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये जो एंगल है ये एंगल हमें फेज डिफरेंस बता रहे हैं, यानी कि करंट यानी कि इधर की तरफ ही हमारा जो होगा वी नेट होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट इधर है, तो फाई और करंट में क्या रिलेशन है यानी कि फेज डिफरेंस कितना है उस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हम टेन ऑफ फाई क्या लिख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली हम लिख रहे हैं फाई क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, एक्सी बाई आर। तो ये दोनों चीज आ गया, तो हम आई नॉट हम यहाँ से लिख सकते हैं ई नॉट बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आई नॉट आ गया, तो अगर आई ये सब चीज आ गया तो हम यहां से हम बोल सकते हैं कि आई इज इक्वल टू क्या है, तो ई नॉट बाई जेड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। अगर हम यहाँ एक्सएल ज्यादा लिए हैं तो देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल है वो करंट से फाइव फेज लीड कर रहा है। ठीक है, हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि पोटेंशियल जो है करंट से लीड कर रहा है बाई एंगल फाइव। अगर वही एक्सी ज्यादा लिए होते तो हमें दिखता कि करंट लीड कर रहा होता, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे माइनस टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई। क्लियर है इतना, yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट वही देख रहे हैं आरएलसी सर्किट एंड पैरेलल। पैरेलल में रहेगा तो क्या होगा, एक्चुअली में पैरेलल वाले हमें ज्यादा करना है नहीं, ये एलआरसी सर्किट नहीं है क्या, ये एलआरसी सर्किट नहीं है, आरएलसी लिखो एलआरसी लिखो बात तो एक ही है, थोड़ा ऊपर किसी ना, मतलब तीनों चीज होना चाहिए, ऐसे जरूरी है कि ऑर्डर में ही रहे, लेकिन छह तरीके से लिख सकते हैं हम, सारे छह तरीके से लिख सकते हैं, कैसे भी लिखो, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इंडक्टर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर तीनों होने चाहिए। ठीक है,
वैसे सुनने में अच्छा एलआरसी लगता है। तो एलसीआर भी अच्छा लगता है सुनने में। हाँ एलसीआर भी बोल सकते हैं। ठीक है एलआरसी एलआरसी हर जगह है तो ठीक है आपके। ठीक है तो इसमें हम एक एक करके नहीं कर रहे हैं कि दो दो को सर करें एक मिनट तीन ऐसा तीन सो को करें। करके देना, छूट गया था, नेटवर्क इशू हो गया था सर, वहीं पे वहीं पे। हाँ ठीक है तो यहाँ पे हम जो है एक एक करके नहीं कर रहे हैं कि एक बार एल सी जोड़े फिर एक बार एल आर जोड़े, एक ही बार हम कर सर हो गया सर, और उसी से रिलेटेड हम लोग वहां पे नीचे सारा में आ कुछ कर रहे लें। हैं सर, वहां पे हाँ नीचे है में आ रहे कि पाए है। पाई कहीं नहीं है तो आ रही होगा यही। हाँ अरे यही वाला चीज उठा के वो रखे हैं। ओके हो गया। सर ये सब याद रखना है या फिर डिराइव करना? वो जो फिगर बना रहे हो वो अगर ध्यान में रखोगे तो डिराइव करने की जरूरत है क्या? याद करने का सर आवाज कट गया। क्यों जो हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं उसको रेजिस्टेंस सबको वेक्टर तो होता नहीं है। वेक्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं फेजर के फॉर्म में तो वो देखने के बाद अगर हमारे माइंड में रहा तो ये सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत है बस। नो सर। ठीक है डायरेक्ट जो भी चीज दिया हुआ है ड्रॉ करेंगे। कितना टाइम लग रहा है? 1 मिनट। एक तुरंत ही लिख सकते हैं। एलआरसी सर्किट है एलसीआर सर्किट आरएलसी सर्किट जो बोलो वो अगर हम पैरेलल में लगा रखते हैं और एसी सोर्स है। ठीक है यहाँ से सोर्स जो है एसी है यानी कि इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये सी है ये आर है ये एल है। इस केस में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो करंट क्या तीनों में सेम होगा क्या? नो सर। करंट तो सेम नहीं होगा लेकिन इतना तो हम बोल सकते हैं कि सब में पोटेंशियल क्या होगा सेम। सेम होगा। ठीक है तो पैरेलल अगर एलआरसी सर्किट हमें देखना है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें सब में करंट जो है सेम नहीं है लेकिन पोटेंशियल सब में यही चीज दिख रहा है। तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं क्या ऊपर वाले के लिए फॉर आई वन ध्यान से देखें तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं एल डी आई बाई डी टी जो होगा वही ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा। यस ठीक है तो ये जो है वैसा ही हमें सॉल्व करने से मिल रहा है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट था यही इक्वेशन आया था डी आई क्या? वन बाई डी टी होगा, डी हाँ आई वन बाई डी आई टी। वन। आई वन होगा ठीक डी आई वन बाई डी टी जहां से आई वन हमें मिल जाएगा। आई वन क्या मिलेगा बताओ? ई नॉट बाई एक्सेल चल साइन ओमेगा टी -5/2। साइन ओमेगा टी। करंट क्या होता है? पाई बाई टू पीछे होता है ऐसे लिख लेंगे। ठीक है यानी कि हम सिमिलरली सबका इक्वेशन ना लिख के हम ऐसा हम बोल सकते हैं सिमिलरली कि जो आई टू होगा वो कितना होगा ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी होगा एंड आई थ्री जो होगा वो कितना होगा टी नॉट बाई एक्सी साइन ओमेगा टी बाई प्लस पाई बाई एक्सी टू। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तीनों करंट मिल गया हमें तो हम आई लिखना हो तो हम आई लिख सकते हैं। आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री ये तो रहेगा ही। ठीक है तो आई को हम यहाँ से लिखेंगे तो हमें दिख रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है तो इसमें जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो कैसे फाइंड करेंगे इसको लिख के सॉल्व करने जाएंगे तो लंबा चौड़ा कुछ दिख रहा है हमें।
तो फेजर इसमें भी हम लोग यूज करेंगे, फेजर अगर हम यूज करते हैं तो फेजर अगर हम यूज करेंगे तो इसमें जो है ऐसा अगर रख रहे हैं तो इस जो हॉरिजेंटल लाइन है इस पे हम लोग किस चीज को फिक्स करेंगे बोलो? भी को आईआर पोटेंशियल ना, पोटेंशियल सब में क्या था, फिक्स था, सबके क्रॉस पोटेंशियल क्या है सेम है, करंट जो है वेरी कर रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे इधर की तरफ पोटेंशियल को रख लेंगे क्योंकि सारे में पोटेंशियल को रेफरेंस लेकर हम करंट का फेज लिखेंगे। ठीक है, ऊपर वाले में क्या था कि सब में करंट सेम था तो पोटेंशियल का फेज लिखते थे करंट के रिस्पेक्ट में, यहाँ पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में हम करंट का फेज लिखेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, रेजिस्टेंस के अलोंग क्या सेम रहेगा? यस आईआर तो इधर ही रहेगा। कैपेसिटर के अलोंग, कैपेसिटर का करंट जो होता है पोटेंशियल से लीड करता है तो इधर की तरफ आएगा, और इंडक्टर का नीचे की तरफ लैग करेगा। ठीक है, तो ये चीज मिली। इससे रिलेटेड अगर हम एक्सेल आर को अगर रिप्रेजेंट करें फेजर पे तो कैसे कर सकते हैं, इधर तो भी है तो करंट हम जो रेजिस्टेंस है उसे आर हम इधर रखेंगे एक्स, अच्छा आर नहीं रखेंगे, करंट के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे दिख रहा है वी इज इक्वल टू होता है आई आर, ये तो कांस्टेंट हमें नजर आ रहा है तो आई के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस जो है इनवर्स का रेशियो है। यस सर। ठीक है, तो आई के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 1/R, ऊपर आई सी था तो ऊपर आएगा 1/XC, नीचे आएगा 1/XL। ठीक है, अब इसमें से जो भी ज्यादा हो छोटा हो, अगर 1/XC ज्यादा हो तो ऊपर की तरफ आएगा, 1/XL ज्यादा हो तो नीचे आएगा, तो यहाँ से जो इक्विवेलेंट आएगा 1/Z वो इतना आएगा अंडर रूट 1/R² + 1/XL - 1/XC। ठीक है, इसमें से हम किसी को भी बड़ा छोटा रखें ये पॉजिटिव ही आना है, ये चीज आएगा, इसे हम लोग ऐसे वाई से लिख देते हैं। ठीक, और इसे बोलते हैं कि एडमिटेंस है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम एक्सी को ज्यादा माने हैं तो फाई के टर्म में ऊपर लिख सकते हैं लेकिन उतना जरूरत नहीं पड़ता है, तो इसमें सिर्फ एडमिटेंस जो है याद रखना है कितना होता है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो पैरेलल वाले जो है थोड़ा सिंपल नहीं आता, उसमें हमें पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन जैसा आ रहा है उसे ऊपर जैसा ट्रिग्नोमेट्री I1 + I2 + I3 लिख के सॉल्व करना पड़ेगा तो जाके मिलेगा। तो ये था हमारा जो भी कंपोनेंट्स थे उसे अगर हम ऐसी सोर्स में लिखे तो ऐसा बिहेवियर शो करते हैं। इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सर एक सेकेंड,
हो गया यस ठीक है फिर ठीक है। अगर आई एवरेज लिखना हो तो हम लोग ये चीज यूज कर सकते हैं, आई नॉट यूज करते हैं, नॉट यूज करते हैं, आई नॉट बाई रूट टू होता है RMS वैल्यू, तो आई नॉट की जगह नॉट बाई जेड लिखेंगे। ऐसा दे रखा है एल जो है 0.5 हेनरी है। सर ये हमेशा साइन का फंक्शन नहीं रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। हो सकता है लेकिन कमर्शियल जो यूज होता है वो साइन ही होता है, क्योंकि हम लोग कॉइल को रोटेट कर रहे थे तो फ्लक्स चेंज क्या आया था कॉस, तो वहां से फाई साइन आता है, इसलिए मोस्टली हम लोग साइन यूज करते, नहीं तो एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, लॉगरिथमिक भी हो सकता है, कैसा भी फंक्शन दे सकता है। ठीक है मैथ अगर कराना है तो कुछ भी दे सकते हैं। पीरियोडिक होना चाहिए ना। हाँ तो एक्सपोनेंशियल को भी लोग टाइम पीरियड करके पीरियोडिक बना सकते हैं। ठीक है कुछ ग्रेटर इंटीजर ऐसा कुछ करके बनता है ना फंक्शन में। यस सर। मैथ्स कराना हो तभी वैसे दिया जाएगा, नहीं तो सिंपली साइन या कॉस ही रहेगा। क्या करना है इस क्वेश्चन में? अच्छा फाइंड आई वी सी वी आर एंड वी एल। हो गया आई आ गया जैसे ठीक है यहां से दिख रहा है हमें कि ओमेगा जो है 100 है रेजिस्टेंस 30 ओम एक्ससी एक्सएल ये सब चीजें हमें पता चल जाएगा। सर आई इक्वल्स टू 4 साइन 100 ई प्लस 83 डिग्री। 4 साइन 100 टी प्लस 83 डिग्री देख लेते हैं। जैसे एक्सेल ज्यादा है तो भी नेट जो है इधर की तरफ होगा, ये एंगल फाई होगा, करंट इधर की तरफ होगा, तो करंट तो लैग करेगा ना, तो लैग करेगा तो फाई कितना जा रहा है, जेड है इधर 50
इधर आर है 30, तो यहाँ पे फाई हमें कितना एंगल दिख रहा है, 53 डिग्री। -23 डिग्री होता है। सर वो 0.5 है या 0.2 है? कौन? 0.5 है, 50 है। यहाँ से I क्या लिखेंगे हम लोग? E not 200/Z यानी कि 50 sin, जो भी एंगल था यहाँ पे पुट कर देना है। तो ओमेगा टी यानी कि 100t + 30 था पहले से। अब यहाँ दिख रहा है करंट जो है उससे कितना एंगल से पीछे है, 53 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? -53 डिग्री। क्लियर है? Yes. तो ये हमें मिल जाएगा 4 sin 100t - 23 डिग्री। पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर अगर हमें पूछेगा तो क्या होता है? I into R। ठीक है, तो 4 into 30 120 सेम फेज में होता है। यस सर। तो साइन 100t - 23 कर सकते हैं। क्लियर है? बीसी क्या होगा? यहां तो होगा I into XC, भी की जगह I into XC। तो 4 into XC कितना था? 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 sin 100t - 23। अब कैपेसिटर जो होता है वो करंट से कितना पीछे होता है? यहाँ पे और -π/2 करेंगे। करंट जो है लीड करता है, तो ये π/2 इससे आगे होना चाहिए, तो इसमें -π/2 करेंगे। Yes, वैसे ही अगर VL लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 4 into 50 200 sin 100t - 23। ये करंट वाला था, करंट से ये π/2 यानी 90 डिग्री लीड करता है। ठीक है, तो डिग्री में है तो 90 है। क्लियर है? ये चीज आएगा। अगर इसे हम डायग्राम में बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि करंट जो है -t = 0 पे -23 रिप्रेजेंट कर, यानी कि करंट किधर होता? इधर की तरफ। ठीक है, VR जो अगर लिखते तो इधर ही, VC जो है इससे परपेंडिकुलर इधर पीछे, और पीछे की तरफ है -90, यानी किधर VC होता और इधर की तरफ VL होता। क्लियर है? ये जो एंगल है ये हमें कितना दिख रहा है? तो 23 डिग्री, यानी कि इनिशियल फेज को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा हम इसे ड्रॉ कर सकते। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रख के करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रहे कि हम इनिशियल को कंसीडर कर लें बाद में भी। सोर्स का ही है? हाँ, सोर्स का ही है। पेपर में कहाँ रहेगा? अब सोर्स का इसका जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, कितना +30 आ रहा है ना, तो इधर कहीं आएगा, ये 30 डिग्री पे था तो इधर भी नेट आ जाएगा। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, आर जो दे रखा है 16 ओम है, एक्स एल है 24 ओम, XC है 12 ओम,
करंट इन सर्किट बोल रहा है, I जो है 5 एम्पियर है इन द सर्किट. फाइंड पहला मैक्सिमम वैल्यू सबका फाइंड करना है, वी आर वी एल एंड वी सी का. सेकेंड इम्पीडेंस. थर्ड वोल्टेज ऑफ एसी सप्लाई. फोर्थ फेज एंगल. सीरीज में है? हाँ सीरीज में ही. आई मैक्स है ये? हाँ मैक्सिमम वी आर वी एल वी सी निकलना है. करंट मैक्सिमम आई नॉट का वैल्यू दे रखते हैं. हो गया सही से. पहला तो डायरेक्टली लिख सकते हैं भी आर क्या होगा 16580 वोल्ट. भी एल 120 24 50 120 और ये आ जाएगा 60 वोल्ट. इम्पीडेंस क्या क्या है? 16 24 12 यानी कि 16 का स्क्वायर प्लस 24 माइनस 12 का होल स्क्वायर 20 आ रहा है. यस तो 256 प्लस 144 20 आ जाएगा. 400 का रूट आएगा तो 20 होगा. मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है. हाँ ये सब मैक्सिमम ही तो आ रहा है. वोल्टेज मैक्सिमम ही पूछा जा रहा है लेकिन फंक्शन तो दिया नहीं है. ई नॉट पूछा जा रहा है. ई नॉट क्या होगा? वी आर प्लस वी सी प्लस वी एल. यस 260 वोल्ट. I into Z होगा ना? क्या सर? I into Z. अच्छा हाँ I into तो ठीक है ठीक. अच्छा ये हम लोग तो वेक्टर फॉर्म में ऐड करते हैं ना. हाँ हाँ I into Z होगा तो ये 5 है. I not into Z क्योंकि I not था E not by Z 20 100 वोल्ट. लास्ट क्या है? फेज एंगल. फेज एंगल भी तो निकल ही जाएगा. 37 डिग्री आ रहा है. टेन ऑफ फाइव क्या लिखेंगे? कौन सा ज्यादा है? एक्सएल या एक्सएल ज्यादा है? एल. जो तो ये 24 माइनस 12 बाई मतलब 16. 12 बाई 16 3 बाई 4. 5 हमें मिल जा रहा है 37 डिग्री. ठीक है. पोटेंशियल लीड करेगा कि लैग करेगा?
करंट से पोटेंशियल लीड करंट करेगा लैग करेगा, करंट लैग करेगा क्योंकि एक्सएल ज्यादा है, ठीक है। प्लस 30 डिग्री है, ये जो 0.4 हेनरी है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है R1, ये है R2, सिंगल टू 1/3 मिली फेरेड, R2 है 40 ओम एंड R1 जो है ये है 30 ओम। I1, I2, तो मैं बोल रहा है find I1, I2, VR1, VR2, VC and VL। The function of time। सर वहाँ पे कैपेसिटर है क्या? R1 के बगल में एक कैपेसिटर नहीं है, ये हम R1 का वैल्यू लिख, ध्यान से देखो तो इसे हम लोग दो सर्किट, एक RC और एक RL सर्किट समझ के सॉल्व कर सकते हैं। यस सर, कर लो। इवन सबका यही आ रहा है? यस सर। ठीक है, क्या करना है, बस ऊपर जो सॉल्व किया वैसे एक्सेल पता है, आर पता है, जेड फाइंड कर लिए, जेड पता चल गया तो फाइव पता चल गया, फाइव पता चल गया तो यहाँ आई नॉट पता चल गया और यहाँ फाइव पता चल गया। देख रहे हैं कि करंट जो है वो पोटेंशियल से लैग कर रहा है तो इसलिए माइनस कर दिया। इसी तरीके से सर्किट टू सॉल्व कर लेंगे। सर्किट टू में था एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर, इस वाले को हटाओ। ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं
क्योंकि दिख रहा है कि दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है। Yes, so. ठीक है, तार ये कितना था, 40। ठीक है, ये 40 ओम है, ये सी जो है 1/3 मिली फेरेड है, तो एक्स सी कितना हो जाएगा 30 ओम। तो जेड की अगर बात करें तो फिर से 50 ओम, और फाई ध्यान से देखोगे तो 37 डिग्री दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा आर है इधर, एक्स सी है, ये 30 है, इधर 40 है, तो ये जो एंगल आएगा हमारा फाई, ये 37 डिग्री है। तो इसमें आई टू अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 200/50 साइन ऑफ 100t+30 डिग्री, करंट इसमें लीड कर रहा है, कि प्लस 37 डिग्री। 30/2 आएगा एक्स सी, हाँ एक्स सी क्या होता है, सो 1/ω यस। So 1/ωc होता है, तो कितना रहेगा 30 ओम। क्लियर है? यस। ठीक है, इस पे और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक छोटा सा कंसेप्ट है पावर, उसे हम बता देते हैं क्योंकि अच्छी बार में इस पे भी क्वेश्चन है। पावर क्या होता है ये तो हम सब लोग जानते हैं, VI लिखते हैं, VI इक्वल टू पावर होता है। ठीक है, तो हम LRC सीरीज सर्किट के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे कि LRC सीरीज सर्किट अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग को दिखेगा कि हमारा लेट से सर्किट है, इसे हम किसी सोर्स से कनेक्ट कर रखे हैं, E=E0 sin of ωt है। इसमें से जो करंट जा रहा होगा I जा रहा होगा, और हम I बोल सकते हैं कि I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस या माइनस फाइव कुछ रहेगा। क्लियर है? तो अगर हमें पावर एट एनी टाइम लिखना हो, पावर एट एनी टाइम फॉर सर्किट, ठीक है, सर्किट के लिए हम लिख रहे हैं, करंट पता है, अगर रेजिस्टेंस से पूछेगा तो रेजिस्टेंस के क्रॉस हम करेंगे I into VR या फिर I²R जो भी करें, हम पूरे सर्किट के लिए कर रहे हैं, तो पूरे सर्किट के क्रॉस पोटेंशियल ये है, करंट ये है, तो हम पावर जो लिखेंगे किसी टाइम पे, ये हमें दिख रहा है कि I0 into E0, हम ऐसे लिख रहे हैं, E into I E0 I0 sin of ωt, यहाँ से sin of ωt+5 यही होगा। ठीक है, तो ये जो पावर किसी भी टाइम टी का आ रहा है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस पावर है। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट का बात कर रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हमें एवरेज पावर फाइंड करना हो तो एवरेज पावर, ठीक है, तो एवरेज पावर इसी चीज का एवरेज फाइंड करेंगे, तो पी एवरेज हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखो तो E0 I0 sin ωt sin ω2 लिख सकते हैं, sin ωt cos of φ प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, sin φ cos of ωt। ठीक है, ये चीज दिख रहा है, पहला टर्म हमें दिख रहा है कि ये दोनों sin²ωt cos φ रहेगा, यानी कि E0 I0 cos of φ sin²ωt दिख रहा है, प्लस यहाँ से दिख रहा है कि cos of sin of φ कॉमन हो गया, और यहाँ से हम लिख सकते हैं sin of 2ωt/2 लिख सकते हैं, sin ωt cos ωt रहेगा। तो अब इसका एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू यानी कि हम जानते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ sin²θ क्या आता है 1/2, एंड sin θ क्या आता है 0।
ठीक है, ये कैसे देख सकते हैं, तो हम लोग आरएमएस वैल्यू निकाले थे तो वहां पे स्क्वायर टर्म आया था, तो वहां पे हमारा आई नॉट बाई टू आया था, यानी कि वो साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू आया था 1/2। वही अगर हम लोग साइन थीटा का फाइंड करते हैं तो वो जीरो आएगा। क्लियर है? इस चीज को याद यस सर। करें रखें, तो यहाँ से ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा एवरेज में, और ये 1/2 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज इट कि पी एवरेज हम लिख सकते हैं ई नॉट बाई रूट टू इंटू आई नॉट बाई रूट टू इंटू कॉस ऑफ फाइव। लिख सकते हैं 1/√2 इसलिए लगा दिए, वो नीचे टू ही दिख रहा है, क्योंकि हमें आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाइव दिख रहा है। तो अगर हम लोग इसे पी एवरेज बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ये चीज। ठीक है, अब जैसे फेजर वाले डायग्राम में देख रहे थे, तो फेजर वाले डायग्राम में जो हमारा मान लेते हैं कि इधर की तरफ आया है कि वी नेट है, ठीक है, करंट को हमने इधर की तरफ ले रखा था, ये दोनों के बीच का एंगल फाई था, तो हमारा करंट का दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर और एक इधर। इधर आएगा आई साइन फाई और इधर आएगा आई आर एम एस, हम लिख रहे हैं आर एम एस के टर्म, ठीक है, तो इधर आएगा हमारा आई आर एम एस कॉस ऑफ फाई, ये मिलेगा। तो हमें दिख रहा है कि ये आई आर एम एस कॉस ऑफ फाई, यानी कि पी एवरेज हम अगर लिख रहे हैं तो ये हम लिख रहे हैं ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस ऑफ फाई को हम लिखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला टर्म है यही हमारा पावर में रिस्पॉन्सिबल है, और ये वाला जो करंट है ये पावर में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इसे हम लोग बोलते हैं वाटलेस करंट या फिर आइडियल करंट। ठीक है, ये वाटलेस करंट हम बोलते हैं आई साइन साई को, क्योंकि दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इन कैलकुलेटिंग पावर ऑफ द सर्किट। पावर कितना यूज हो रहा है ये कंपोनेंट जो है करंट का, ये यूज नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम बोलते हैं वाटलेस करंट, पावर का यूनिट वाट होता है। वहीं ये जो है यूज हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग बोलते हैं कि जो कॉस ऑफ फाई है वो हमें बताएगा कि करंट का कितना कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं, तो कॉस ऑफ फाई को बोलते हैं कि इट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ठीक है, यानी कि कॉस ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई जो होगा वही होगा हमारा पावर फैक्टर, एंड जो आई साइन क्या हम बात कर रहे हैं साइन फाई बात कर रहे हैं, यानी कि करंट का ऐसा कंपोनेंट जो कि पावर में रोल प्ले नहीं ले रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं वाटलेस करंट। इतना बात क्लियर है? बोलो। यस सर। हेलो। ठीक है, अगर हमें मैक्सिमम पावर चाहिए होगा तो क्या करेंगे? फॉर मैक्सिमम पावर, एवरेज की ही बात कर रहे हैं, तो इस केस में मैक्सिमम पावर चाहिए तो कॉस ऑफ फाई क्या होना चाहिए? मैक्सिमम वन। ठीक है, कॉस ऑफ फाई अगर हमारा वन होना चाहिए, यहाँ से ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि फाई हमारा क्या होना चाहिए? जीरो। जीरो। फाई जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि टेन ऑफ फाई जो है, जिसे हम एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर कह रहे थे, ये जीरो है, यानी कि दिस इम्प्लाइज इट कि एक्सएल माइनस एक्सी जो है ये जीरो है, यानी कि हम बोल सकते हैं एक्सएल जो है एक्सी के बराबर है, तभी होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट कि जेड जो होगा इस केस में वो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यानी कि आर के बराबर हो, यानी कि हमें कैसा बिहेव करता दिखेगा, बिहेव्स एज प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, यानी कि हमें लगेगा कि सिर्फ इसका रेजिस्टेंस आर रेजिस्टिव सर्किट जैसा हमें दिखेगा, तो वैसे केस में जो होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा कब, जब एक्सएल माइनस एक्सी दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाए तब। ठीक है, इतना बाद में किसी को दिक्कत,
यानी कि इस केस में फॉर मैक्सिमम पावर, पावर के केस में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि आई आर एम एस जो होता है वी आर एम एस बाई जेड, यानी कि वी आर एम एस बाई आर लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि हम पावर मैक्सिमम लिखेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसे आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस जो कि ऊपर से आया है इसकल टू इस केस के लिए आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर वी आर एम एस का स्क्वायर बाई आर। क्लियर है? बाकी केस रहेगा तो वी आर एम एस बाई जेड से रिप्लेस करके हम लोग आई को लिख सकते हैं। बाकी अगर किसी के लिए पावर लिखते हैं तो पावर हम लिखे कि आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाई है। तो अगर इस केस में हमें लिखना हो आई को हमें हटाना हो तो इस चीज को हम लिख सकते हैं क्या चीज वी आर एम एस का स्क्वायर बाई जेड इंटू कॉस ऑफ फाई। क्लियर है? और क्या लिख सकते हैं अगर वी आर एम एस को हटाए तो I आर एम एस का स्क्वायर इंटू जेड ऑफ कॉस ऑफ फाई। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है कि ऐसा लिखेंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे ये चीज यूज दिखता है तो कब के लिए है तो मैक्सिमम पावर के लिए। इतना बात में कोई दिक्कत? ठीक है, तो एच सी वर्मा में जो एच सी वाला जो चैप्टर है उसे कंप्लीट करो। इसमें पावर विंग बस थोड़ा सा बचा हुआ है, चोक कॉइल और ट्रांसफार्मर, और इससे रिलेटेड और कुछ और क्वेश्चन करेंगे सर्किट वाले, तो ये चैप्टर और ये बैंडविड्थ ये सब कुछ बचा हुआ है। ठीक है, शार्पनेस, डैम्पिंग, हाँ तो वो सब तो हो जाएगा तुरंत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली ये हम लोग का थ्योरेटिकल पार्ट तो पूरा हो ही जाएगा। अगर क्वेश्चन कुछ बचा तो उसके अगले क्लास में वो खत्म करके फिर ईएमडब्ल्यू। ईएमडब्ल्यू भी मुश्किल से एक से डेढ़ लेक्चर का ही है, क्योंकि समझने वाला चीज तो बस थोड़ा सा है, उसके बाद रट्टा मारने वाला चीज है। ठीक है, ठीक है, फिर यस सर, तो कंप्लीट करो एससी वाला भी। हाँ, ईएमआई का होमवर्क आज का, ईएमआई कहाँ तक गए थे? प्रैक्टिस एक्सरसाइज तो खत्म ही हो गया है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज टू में भी शायद 60 तक हो गया था, 30 कल भी तो दिए थे, बोले थे 31 से 60। उसका भी बोले थे। ठीक है, उसका भी बोले हैं। ठीक है, तो कर लेना है उसे भी एक्सरसाइज टू। अगर नहीं की हो तो एक्सरसाइज टू कंप्लीट करो, हो जाएगा। पिछले वाले, पिछले वाले पीडीएफ में देखो लिखा हुआ भी है ऊपर ही। ठीक है, तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज और एक्सरसाइज टू दोनों कंप्लीट कर लेना है। और इतना जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म हो जा रहा है ना, कि फिर बहुत ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन हो जा रहा है। तो लंबा चैप्टर जो था शुरू में था उसका पूरा कंप्लीट कर लियो। यस सर, वो बहुत देर तक चला था ना, इसलिए पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ, वो सब तो बहुत, अभी तो इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स चलेगा तो और ही जल्दी जल्दी खत्म होगा। ठीक है, जो टाइम लगता है शुरू में लगेगा, इसके बाद फिर दो चैप्टर्स में ज्यादा टाइम लगेगा, एक तो रे ऑप्टिक्स और उससे थोड़ा बहुत छोटा वेव ऑप्टिक्स। लंबा लंबा चैप्टर में यही दो चैप्टर बच गया। रे ऑप्टिक्स में 16-17 लेक्चर लग जाएगा और वेव ऑप्टिक्स में 8-10 के आसपास, बाकी और किसी में 3-4 से ज्यादा नहीं लगने वाला है। ठीक है,
ठीक है फिर। थैंक यू।